हेलो एवरीवन। सो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी या देखेगा, तो ये तो जोश हर किसी में, ठीक है। लेकिन हम इंतकाम की जगह हम इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं, क्यों? क्योंकि डेटा सर फ्री का है, कम से कम यही तो देख ले कि वो कहाँ बात कर रहा है, कर रही है, किसे लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है। क्योंकि यूपीएससी की फीस तो सर लाखों में, कहाँ से दे पाएंगे, और हमारे पास तो बस डेटा है और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसलिए हम इंतकाम तो नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर रहते हैं और बस वहीं पे ही हम आशिकी जो है अपनी निभाते रहते हैं। क्या मिलेगा सर इससे? कुछ नहीं। और ऑब्वियस सी बात है कि ये मैं समझ सकता हूं कि हाँ, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत तो ये हो जाती है कि हम तैयारी कैसे करें, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, हम इतने लाखों खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। हम वैसे ही मान लीजिए किसी अपनी सिचुएशन में, चाहे वो कोई भी सिचुएशन, जैसे इस मूवी में प्यार का दिखाया था, और हम काफी टूटे हुए हैं, हम इतने लाखों खर्च करके हमें लगता है हम तो पैसे डुबा देंगे। कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ लोग स्टार्ट करने से ही डरते हैं, तो अलग अलग इश्यूज हैं। कई कई फाइनेंशियल ही इतने वीक होते हैं कि वो उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, बट प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं मिलते, ठीक है। अगर और कोई कहीं उन्हें पढ़ा भी रहा है तो पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा है, बहुत इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप इंतकाम लें मूवी की तरह, जिस वहां ने बोले कि गायब हो गया वो बंदा, कहाँ के एकदम से आईएएस बन गया है अगले सीन में। ये बहुत जोक चलते हैं इस मूवी के। बात भी सही है कि आपको उस समय गायब होना पड़ेगा, और सी सबसे ज्यादा एनर्जी जब यू नो व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी थिंग मेंटली, तो अगर आप उसको सही लाइन में चैनलाइज कर दें, उस एनर्जी को, उस एनर्जी से ज्यादा चीजें कहीं और नहीं होती हैं। इसलिए मैंने सोचा जो आशिक लोग हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बनाऊं और उन्हें बताऊं कि जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसा हो कि आप यू नो यू आर वेरी एंग्री फ्रॉम इनसाइड कि नहीं, मुझे मेरे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए था, और आप सोच सोच के बस परेशान हो रहे हैं, बट अगर आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर देंगे, एक सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, यू नो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन, यू कैन बी अ गुड यू नो ऑफिसर, यू कैन डू एनीथिंग। इसीलिए यहाँ पे परेशान इस चीज पे तो खैर नहीं होना है, हमें इंस्टाग्राम पे नहीं जाना है, और इंतकाम भी कैसे लेना है, इंतकाम ये सब चीजों को भूल के अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, यही सबसे बड़ा इंतकाम होता है। इंतकाम का मतलब ये नहीं कि आप किसी का गलत करें, इंतकाम का मतलब है कि आप खुद के साथ इतना सही कर लें कि सामने वाले को लगने लगे कि वो उसने खुद के साथ कितना गलत कर दिया, कि मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए था, है कि नहीं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों के पास जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना, मैं मेन आता हूँ, या फिर कोई कुछ जॉब कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो नहीं इतना एफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं प्री की तैयारी हो रही है, कोई मेंस अच्छे से नहीं करवाता, तो मैंने फिर ये, क्योंकि मुझे क्या है पढ़ाने का बहुत ज्यादा ही शौक है, एंड बाय गॉड ग्रेस आई एम यू नो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो मैं, मेरे लिए कोई ये मोटिव नहीं है कि मैं कमाऊं या कुछ और करूं, ठीक है। जैसे इंसान यही लेक्चर्स के लिए दिल्ली में जाइए तो हजारों रुपए आपको मिल जाते हैं, ठीक है, डिलीवर करने के, बट आई थॉट कि एटलीस्ट पहले जितने भी अच्छे जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए किया जाए, एंड ऑब्वियसली आई गॉट इंस्पायर्ड अ बिट फ्रॉम खान सर, उनका मैंने काफी ये इंटरेस्ट देखा कि जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास तो खैर उनके पास तो काफी लोग हैं और वो काफी कम प्राइस में पढ़ाते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं फ्री में सब कुछ करूँ और सबको उस तरीके से मैं हेल्प करूँ, ठीक है। अब उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें, बहुत बार होता है ना आशिकी में लोग बर्बाद हो गए या किसी प्रॉब्लम में बर्बाद हो गए, उसका रीजन भी है। रीजन क्या है कि बताने वाले ही नहीं थे कि और क्या अच्छा हो सकता है। लगता है ना कि हम, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपके पास मोबाइल है ना, वो मेरी एक लाइन है यहाँ पे, यू नो चाहे वो यूपीएससी रील्स हो या कोई और फनी रील्स हो, वो आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं करने वाली, आपको रील नहीं रियल मेहनत की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए आप और कहीं टाइम देने से अच्छा कि आप यूपीएससी की हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन करें यहाँ पर, और आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और क्या रीजन था कि मैंने ये स्टार्ट किया उसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो यूपीएससी क्लासेस है, यहाँ पर आपको सबसे पहले
प्रीलिम्स की चिंता होती है हर किसी को कि सर प्रीलिम्स जो है टफ हो गया है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज पैसा नहीं है, बाकी इश्यूज। तो ये देखिए विजन आयस टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये विजन आयस टेस्ट सीरीज जो है आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, यहाँ पे 4 सेशन आ चुके हैं इसके, ठीक है, तो ये भी जो है काफी अच्छे से चल रहा है। तो इससे एक तरीके से आपका टेस्ट सीरीज का एक इश्यू जो है, और वो सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आंसर नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है यहाँ पर। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाया करेगा, इसके साथ मेंस आंसर राइटिंग। देखिए क्या होता है, लोग प्री कर तो करवा रहे हैं, बट मेंस में अभी भी मैंने नहीं देखा है, बट कुछ लोग तो काफी अच्छा करवा रहे हैं, नो डाउट, बट अगर एक ही टीचर सब कुछ करवा दे तो उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में कि हाँ यार हो सकता है, ठीक है। तो ये मेंस आंसर राइटिंग जो है इस तरीके से मैं खुद लिख के ही बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये यह है कि मैं खुद लिख के यहाँ पे आंसर्स बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप किसी को कहो कि आप ऐसा करो, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता जो कि आप खुद करके दिखाते हो, है कि नहीं। तो ये सीरीज जो है प्रॉपर क्वेश्चन है, आंसर है, किस तरीके से लिखना है, यहाँ भी सब कुछ ये बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये सीरीज जो है लगभग डेली यहाँ पे आंसर अपलोड हो जाते हैं। ओके, इसके बाद मैंने विजन के डेली करंट अफेयर्स चालू किए थे, बट टाइम उतना ये रहता नहीं है और लोग भी उतना नहीं देख पाते हैं, तो इसके लिए अब जो है मैं इस मंथ से जो है आपका विजन मंथली करंट अफेयर्स ले आएगा, तो मंथली करंट अफेयर्स का इश्यू रहा नहीं। आपको अगर न्यूज़पेपर रिलेटेड जो भी नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने अपने बारे में तो बताया नहीं, सो माय नेम इज प्रतीक सौरभ, और मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस लिखा है, साथ में मैं आई एम वर्किंग समवेयर, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ्री इनिशिएटिव मैं लाऊं, एटलीस्ट वीकेंड्स में जो छुट्टियां होती हैं उस टाइम का यूटिलाइज ज्यादा करूं, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे प्री हो गया, मेंस हो गया, अब कुछ के साथ इश्यूज ये होता है कि सर अब इसका हम वो तो ठीक है, बट ऑप्शनल के लिए फिर हर जगह सब पैसा मांग रहे, अलग से तैयारी करनी पड़ रही है। तो अगर आपका कुछ फेवरेट है तो आप बिल्कुल अब उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, तो मैं इस पे भी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है कि मैंने अभी फिलहाल सिलेबस की यहाँ पे बात की है कि क्या क्या चीजें होती हैं, और आप ये नोटिस कर सकते हैं कि टाइम की ये जो भी चीजें हैं यहाँ पे प्रॉपर लिख के सिलेबस जो है मैंने बताया हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे इंटरकनेक्ट हो पाऊँ सबसे अच्छे से, और प्रॉपरली यहाँ पे चीजें जो है लिख के दी हुई है, ठीक है। तो PSIR आपका जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप एज अ ऑप्शनल ये कंप्लीट हो जाए। तो अब आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो गई, जिसे कह ही दिया मैंने, इसके लिए विजन आए सब मंथली ले आया करूंगा, न्यूज़पेपर जो है द हिंदू से रिलेटेड एडिटोरियल और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी, ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग चल ही रही है और आपका ऑप्शनल भी तैयार होते रहेगा, ठीक है। और अगर आप आगे आके अगर रिक्वेस्ट करते हैं, आपको लगता है, तो फिर मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का मैंने एडिटोरियल लाया है काफी, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम इश्यू था, और ऑब्वियसली बात है जब सब्सक्राइबर भी कम होते हैं तो उतना मोटिवेशन नहीं होता है ना, दैट इज ट्रू। सो आज 200 कंप्लीट हो गए, और मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों ने भी पसंद किया है, काफी लोगों ने देखा है, तो मैं तो खैर इससे काफी हैप्पी हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कुछ आपको और दिखाना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि सो लोग जो ऐसे पसंद कर रहे हैं काफी इनिशिएटिव को, इट्स नॉट लाइक कि क्वालिटी में कोई खराबी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, इवेल्यूशन इनिशिएटिव लाए, ठीक है, हेल्पफुल। तो ये बहुत ही जरूरी चीज होती है, तो ऐसे इनपुट्स की मुझे भी जरूरत रहेगी आप सबसे, जब भी आप दें, कुछ और बेहतर हो सकता है या जैसे भी है, आपके इनपुट्स ऑलवेज मैं ट्राई करूंगा कि इंप्लीमेंट करें। देखिए इनका था कि मैंने 7th नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया सॉल्व कराते समय, ठीक है, तो आई इंक्लूडेड इट, फिर मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी। तो इस तरीके से क्या एक हॉलिस्टिक में वे में तैयारी करवा रहा हूँ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई यहाँ पे टाइम दे रहा है, इट्स नॉट अबाउट कि फ्री है तो क्या हुआ मैं ऐसे ही आऊँ और कचरा कर दूँ, बिल्कुल नहीं। तो प्रॉपर एक हॉलिस्टिक वे में तैयारियां हो रही है यहाँ पर, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कीजिए, ठीक है, कर क्या सकते हैं आप, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि प्यार का इंतकाम जो है
वो ऐसे ही नहीं पूरा होगा, ठीक है? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में ना, यहाँ भी आप देख रहे हैं अराउंड, इतने लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि जो प्यार का इंतकाम लोग दे देते हैं, मूवी बना देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, अगर मैं अभी गूगल पे जाऊं और प्यार का इंतकाम देखूं तो उसमें कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बना होगा, सब रील्स बनाने में बिजी ज्यादा होगा। अब ये कैसा इंतकाम है? मतलब ठीक है, सब रील्स बना रहे हैं, अलग अलग मूवीज बना रहे हैं, सबका शौक है, बट एक इंटरव्यू है उसमें हमारे जो बॉलर है ईशांत शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सर मैंने बहुत क्रिकेटर्स को देखा है जो वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो 200 रुपए घंटे में कहीं क्रिकेट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं छोटे मोटे काम कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी जीना है, ठीक है, मुंबई जैसे शहर में 200 रुपए घंटे पे आप कोई काम कर रहा है तो ये हाल हो जाता है वहां पर। तो इसीलिए कि एजुकेशन इज मस्ट, अगर आप क्रिकेट में भी या कहीं भी लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हैं आप करें, लेकिन आप पढ़ाई को ना छोड़ें। और ये जो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो आपको इतना अच्छा बना देती है कि यू नो यू यू विल हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एंड नॉलेज के साथ साथ एक पॉजिटिविटी होती है आपके अंदर की, ओके आई हैव द नॉलेज तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, तो खुद पे कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है? तो नॉलेज आप जितना ले वो बहुत अच्छी बात है, यादें निगेटिव हो तो लाइफ में पीछे ले जाती हैं, और ऐसा नॉलेज जो है वो आपको लाइफ में आगे पुश करता रहता है, चाहे कितने भी हर्डल्स क्यों ना। ओके, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे अगेन कि अब जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इट्स नॉट अबाउट द लव लाइफ, हो सकता है कहीं पर यू नो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है किसी के यहाँ पे, हम देख ही रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में जो जो गरीबी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, और या फिर उतने कैपेबल नहीं होते, या लड़कियां अभी भी उतना जितना पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऑल दो काफी क्वालिटी है बट कहीं कहीं कुछ इश्यूज के कारण या सिटीज नहीं जाने दे पा रहे हैं, तो ऐसा मैंने काफी देखा है, एंड दिस इज द रीजन कि मैं ये सीरीज जो है लेके आया हूँ। आप घर पे बैठे और घर पे बैठ के जो है आप ये बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं इस चीज के, ठीक है? तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अब हर कोई है ना, अगर मान लीजिए कोई मेड है जो जिसके यहाँ काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, उनके बच्चों को भी पढ़ने का मन है, तो वो 10-20 हजार भी 50 हजार भी फीस है, कहीं कहाँ से देंगे? बाकी कुछ तो लाखों ले, ले ले रही है, वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है? जो जो बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं, कहीं रह के काम कर रहे हैं, यहाँ मैंने देखा है आई मीन दिल्ली तो कुछ लोग लाइब्रेरी के ओनर बन, मतलब वो केयर टेकर बन जाते हैं, 7-8 हजार रुपए कमाते हैं, तो जो वो उतना कमा रहा है वो दिल्ली में रहने की ही मुश्किल है, तो कहाँ से पे करेगा? तो ऐसे सारे लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक इनिशिएटिव लाऊं, कि चलिए मैं तो थोड़ा लकी हूँ कि मेरे घर वालों ने वो था, एक जॉब भी लग गई, सब ठीक है, कभी कभी लक फैक्टर भी होता है, अब मेहनत तो आपकी रहेगी रहेगी, अगर आपके शिद्दत है तो वो एक अच्छी बात है, ठीक है? जैसे मेरी सिस्टर जो है अभी वो अब्रॉड से एमबीबीएस कर रही है, तो एक हर किसी के पास वो चीज नहीं होती है, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, आपके पास नॉलेज ही एक्स्ट्रा है, तो आपको वो बांटिए, ठीक है? अगर आप वो चीज नहीं बांटिएगा तो आप सोसाइटी के वेलफेयर में कैसे काम करिएगा, ठीक है? सब अगर बोले आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आपने देखा होगा बहुत सारे आईएएस आईपीएस ने रिजाइन कर दिया, अभी वो बड़े बड़े एकेडमी खोल के बैठे हुए हैं, 50 हजार का सब्सक्रिप्शन ले, 1-2 लाख, वो भी सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि आईएएस आईपीएस बन के तो आप क्या है, आप सिविल सर्वेंट है, आपको सोशल वर्क करना है, तो लोगों को मजा ही नहीं आ रहा सोशल वर्क करने में, बोले यार कमाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा बताया कि आई एम लाइक वर्किंग समवेयर, ताकि मेरा कोई मेन मोटिव जो है यहाँ पे कमाना नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं दैट आई कैन एश्योर यू ये इनिशिएटिव हमेशा फ्री चलता रहेगा आपके लिए, ठीक है? चलिए, बाकी सब्सक्राइब द चैनल, लाइक जरूर करिएगा, और आई नो ये थोड़ा अलग सा वे था आप सबसे इंटरेक्ट करने का, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन से, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।